हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी WhatsApp से फिंगरप्रिंट लॉक को हटाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि WhatsApp से हम फिंगरप्रिंट लॉक को कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने फ़ोन पे हैं और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि WhatsApp का जो फिंगरप्रिंट लॉक होता है उसे हम कैसे अपने फ़ोन से हटा सकते हैं, उसे कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन पे आ जाइए और यहाँ पे मैं आपके सामने में यहाँ पे देख सकते हैं मेरे WhatsApp में जो है वो फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ और जैसे ही ओपन करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट लॉक जो है यहाँ से पूछ रहा है, और जब तक फिंगरप्रिंट लॉक नहीं डालूंगा यहाँ पे हमारा जो लॉक है वो नहीं हटने वाला है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट डालता हूँ लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं गलत हो गया है। तो यहाँ पे WhatsApp का फिंगरप्रिंट जो है उसे हटाने का दो तरीका है, या तो आप WhatsApp के अंदर जाके इसे हटा सकते हैं या फिर आप सेटिंग से भी इसे हटा सकते हैं। सबसे पहले मैं WhatsApp के अंदर जाके आपको हटा के दिखाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो WhatsApp पे आपको क्लिक करना है, और इसके लिए सबसे पहले तो आपको WhatsApp का जो फिंगरप्रिंट है उसे आप एक बार वेरीफाई करके इसे ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं ओपन करता हूँ, ये ओपन हो गया। और अब इसके लिए आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, देन सेटिंग्स पे क्लिक करना है, ऊपर अकाउंट पे क्लिक करना है, देन प्राइवेसी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सबसे नीचे आना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा फिंगरप्रिंट लॉक, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको इसे डिसेबल कर देना है। जैसे आप इसे डिसेबल कर देंगे उसके बाद आपका जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो सक्सेसफुली यहाँ से हट जाएगा। अगर यहाँ से आप नहीं हटा सकते, WhatsApp के अंदर आके नहीं हटा सकते, तो अब मैं आपको बताता हूँ सेटिंग से आप कैसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वापस इसे लॉक कर देता हूँ, तो ये लॉक हो गया है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसे सेटिंग से कैसे हटा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, फिंगरप्रिंट का आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो आपको क्या करना है फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड लगाना है, पासवर्ड डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 2 फिंगरप्रिंट जो है वो एक्टिव है। यहाँ पे मैंने 2 फिंगरप्रिंट सेट किया हुआ है, तो हमें क्या करना है, दोनों को डिलीट कर देना है। जो भी फिंगरप्रिंट आप यूज करते हैं उसे आपको डिलीट कर देना होगा, उसके बाद अपने आप ही WhatsApp से हट जाएगा, क्योंकि WhatsApp में जो है फ़ोन का ही फिंगरप्रिंट डिटेक्ट होता है, उसी से लॉक सेट होता है। तो यहाँ पे आप इसे डिलीट कर देंगे तो आपका WhatsApp का फिंगरप्रिंट भी हट जाएगा। देख सकते हैं फिंगरप्रिंट यहाँ से हट चुका है। अब मैं आपको WhatsApp खोल के दिखाता हूँ, देख सकते हैं WhatsApp खोला मैंने, फिंगरप्रिंट यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, हट चुका है। तो इस तरीके से आप भी अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक को हटा सकते हैं WhatsApp से।